विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन, जय जवान जय किसान संगठन और जागरूक पालक समिति ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शहर की प्रसिद्ध स्कूलें सरकारी आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं, जो कि गलत है, और सरकारी नियमों और सरकार द्वारा दी गई मंजूरी की शर्तों का भी उल्लंघन है। शहर में 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के प्रीलियम टेस्ट चालू है। इस दौरान स्कूल ने सभी पालकों को धमकी देकर तुरंत फीस जमा करने को कहा और कहा कि फीस जमा नहीं कराई गई तो बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। जब इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य का विदर्भ पेरेंट्स को पता चला तो मंत्री बच्चू कड़ू के कार्यालय में संपर्क कर इस बारे में उन्हें जानकारी दी गई। उन्होंने तत्काल शिक्षण अधिकारी चिंतामन बंजारी को उपरोक्त विषय में आदेश निकालने को कहा। उसके बाद शिक्षण अधिकारी ने पत्र लिखकर स्कूल को फीस नहीं भरने वाले विद्यार्थियों को भी परीक्षा में बैठने का आदेश दिया। अग्रवाल ने कहा कि स्कूल संचालक अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। बरसों से लाखों रुपए हमसे ऐंठने के बाद भी इस प्रकार का व्यवहार मानवता से परे है। वैसे भी सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत कोई भी स्कूल के बच्चों को शिक्षा बंद करने का अधिकार नहीं है।